हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे 1 अगस्त को मीन्स मंडे सेशन में होने वाले इसके इम्पॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट्स क्या हो सकते हैं। कैसे हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि ये अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें ऊपर की ओर 3 to 9 6 9 6 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे पहले कैंडल में ये टारगेट देने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से रुकने की कोशिश किया है और ये पूरा का पूरा टाइम इसी एक रेंज में इसने स्पेंड कर दिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा इस लेवल से रन कर चुका है, इसीलिए मुझे जो लग रहा है यहाँ पे अभी से थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये वीक खत्म हो गया, ये पूरा मंथ भी खत्म हो गया, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, चल के जरा वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सिनारियो बना है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेवल था, ठीक है, ये 2600 का एक ब्रेकआउट लेवल था और यहाँ से ब्रेकआउट करके गया था, यहाँ पे पहली बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली और सेकेंड टाइम भी यहाँ पे फिर से बहुत ही अच्छा यहाँ से यहाँ तक का रैली दे दिया है। अभी ये कितने वीक अगर देखेंगे तो लगातार कितने वीक इसने रैली किया है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, 6 वीक तक बहुत ही अच्छा खासा रैली किया है। इसके पहले ऐसी रैली कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे हुई थी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 7 6 वीक मान लेते हैं इसको, यहाँ पे भी बहुत तेज रैली किया था और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 वीक यहाँ पे रैली किया है लगातार और अभी फिर सेम सिनारी यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट देने के बाद अभी इसमें क्या हो सकता है, तो इन कैंडल के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे साइडवेज चला गया था, यहाँ पे फॉल हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके अंदर ही है। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉल हुआ था और साइडवेज गया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, इस लेवल के आसपास 3400 के आसपास ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा ज्यादा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा रन कर चुका है। देखे होंगे RSI बहुत बहुत लोग लगा के बोलते हैं कि ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड हो चुका है मतलब ऑलरेडी ये घोड़ा बहुत भाग चुका है। ठीक है, इसको अब थोड़ा रेस्ट कर लेने दीजिए। अगर ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, घास फूस खा लेगा एंड उसके बाद फिर से जब इसमें बायर्स आएंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो तेजी से ये जो ऑल टाइम हाई दिख रहा है हमको, ये से ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये इसके पास या फिर इसके पास टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद ये प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। बहुत नीचे से आगे इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डाइजी होगा और ये यहाँ से फिर नीचे आने की इसकी प्रॉबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसा कि मैं 2 4 दिन से आपको बोल रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है मुझे एक हॉल्ट चाहिए इसके अंदर। ठीक है, एशियन पेंट में मुझे एक हॉल्ट चाहिए, कोई भी फ्रेश एंट्री लेनी है, कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी करना है, तो मुझे इसमें एक हॉल्ट चाहिए एंड उसके बाद ही इसमें जब ब्रेकआउट होगा तो मैं फ्रेश एंट्री के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप एशियन पेंट को अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एवरग्रीन शेयर है, लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपने इसको मिस किया है, बाई नहीं किया और अभी अभी टॉप पे खरीदे, क्योंकि मेरे लिए ये टॉप है, मेरे लिए अभी ये टॉप पे है क्योंकि ये इतना ऑलरेडी रन कर चुका है। अगर देखेंगे तो 2500 से लेके, ठीक है, 2600 से लेके मान लेते हैं 3300 तक गया है, तो यहाँ पे 4 प्लस 700 700 भाग चुका है। 2500 शेयर, 2500 का शेयर है, 700 भाग चुका है, मतलब यहाँ पे 2500% से लेके 30% का रिटर्न हमको इसने नेक्स्ट पिछले 2 महीने में दे दिया। इतना रिटर्न के लिए हम 2 साल वेट करते हैं और इसने 25% का रिटर्न अभी दे दिया, तो जिसके पास भी ये रिटर्न अगर सेलिंग आता है तो सब सेल करके बाहर निकलेंगे। ठीक है, और फिर से जब ये यहाँ पे रेस्ट करने के बाद ये अपने स्विंग को ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पे इतनी रैली हुई नहीं होगी एंड उसके बाद फिर इतना अच्छा खासा रैली अगर ऊपर करेगा तो फिर से फ्रेश सेलर आएंगे, सॉरी फ्रेश बायर आएंगे और इसमें बाई करके ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो अगर किसी को बाई करना है तो याद रखे कब बाई करना है, कैसे सिचुएशन में बाई करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा सा 3400 के आसपास रेस्ट होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे आने के बाद रेस्ट करता है और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चला जाता है, ठीक है, साइडवेज मतलब मान लेते हैं इतना रैली किया, रैली करने के बाद इस तरीके का एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना के फिर ब्रेकआउट देता है तो इसमें फ्रेश एंट्री हम लोग उस समय ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, तो इस टाइप का यहाँ पे कंडीशन है। तो मेरे हिसाब से इस वीक में या फिर आने वाले वीक में
ये यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेगा, रेस्ट करके हो सकता है थोड़ा सा अगर नीचे भी गिरेगा तो ये नीचे गिर भी सकता है, ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा, याद रखेंगे, क्योंकि ये निफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, यहाँ ऐसा बोल सकता है, क्योंकि जब भी निफ्टी ऊपर तेजी से निकलता है तो ये शेयर भी तेजी से निकलता है, तो यहाँ पे अगर निफ्टी थोड़ा फॉल होता है तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल हो सकता है, ये यहाँ भी वरना साइडवेज चला जाएगा, जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे अभी एग्जाम्पल देखे थे, जब भी इतना अच्छा खासा रैली हुआ है तो किस टाइप का यहाँ पे कंडीशन बनता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कल के दिन, मतलब मंडे सेशन में हम क्या कर सकते हैं, मंडे सेशन में हम लोग अभी सिर्फ लास्ट स्विंग को यहाँ पे ट्रेड करते हुए चलेंगे, तो अभी लास्ट स्विंग अगर ये ब्रेक करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे की ओर क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ से अगर लास्ट स्विंग ब्रेक होता है, इसका हाई क्या लगा हुआ है, इसका हाई लगा हुआ है 3354, 3354, तो 3355 पे अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर हम लोग को पहला टारगेट 3375 का देखना चाहिए, ठीक है, 3375 का देखना चाहिए, एंड जो सेकेंड टारगेट हमारे लिए होना चाहिए वो होना चाहिए 3385 का। ये टारगेट हमारे पीछे से नहीं लिया है, ये टारगेट मुझे लग रहा है 3400 एक बार ये टच कर सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसी उसके हिसाब से यहाँ पे टारगेट ऊपर के लगा रखे हैं। एंड नीचे की बात करेंगे तो नीचे के पास अभी ये जो जैसे कि हमारे पास आज का जो स्विंग है 3281 का, इसका लो लगा है 3281.6, ठीक है, तो 3280 के नीचे हम लोग इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जब भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके ऊपर गया तो अभी फिर से आएगा तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करेगा, अगर अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की ओर जो पहला इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये लेवल जो कि है 3258 का, एंड उसके बाद जो इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा ये दो कैंडल जहाँ पे टाइम स्पेंड किया है 3244 का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ये पूरा यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करने वाला है आने वाले समय में, ठीक है, तो जब भी ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा एक रिवर्सल मिलेगा, एंड उसके बाद ये अगर ब्रेक करता है तो फिर से नीचे की ओर निकल सकता है, तो इस टाइप का कोई सिचुएशन मंडे को हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लें, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।